What is knee preservation surgery? In this video, I will talk about आप अपना घुटना कैसे बचा सकते हो? क्या knee replacement एक ही option है जब आपके घुटने खराब हैं? Hello, मैं Dr. विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने का विशेषज्ञ या knee specialist New Delhi Max Hospital से। मेरे पिछले वीडियो में आपने एक शब्द सुना था, knee preservation surgery. What is knee preservation surgery? In this video, I will talk about आप अपना घुटना कैसे बचा सकते हो? क्या knee replacement एक ही option है जब आपके घुटने खराब हैं? घुटने का घिसना एक रेल यात्री की तरह है। जब आप रेलगाड़ी में जाते हो, बहुत सारे स्टेशन आते हैं बीच बीच में, वैसे ही knee arthritis इन सारे स्टेशन से गुजरता है। नाउ स्टेशन मतलब क्या? तो घुटना जो है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ है, अंदर वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा और कटोरे का हिस्सा या नी कैप वाला हिस्सा। जब घुटने का आर्थराइटिस शुरू होता है, ये एक हिस्से से ही कभी कभी शुरू होता है, और ये एक हिस्से से तब शुरू होता है जब घुटने में पैदाइशी तिरछापंती हो। 90% पॉपुलेशन हमारी जो है उनके घुटने सीधे नहीं है, तो जब आप अपने दोनों पैरों को इकट्ठे रखते हो, अगर घुटनों के बीच में गैप है, मतलब आपका बदन का वजन जो है वो अंदर वाले हिस्से में जा रहा है, अगर घुटने टच करते हो तो बाहर वाले हिस्से से जा रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन कहां पे बदन का वजन जा रहा है वो वाला हिस्सा ज्यादा खराब होगा। जब एक तिहाई हिस्सा या 1/3 ऑफ द नी जॉइंट ही इन्वॉल्व्ड है तो हमारे पास दो रास्ते हैं। अगर हम ऑपरेशन के बारे में सोचें, अगर बहुत ही एक्टिव आदमी हो जो भाग दौड़ सब कुछ करना चाहता है, या कोई किसान हो हु वर्क्स इन हिज फील्ड्स, ऐसे लोगों के लिए नीचे बैठना और हार्ड वर्क करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम घुटने का तिरछापंती को सीधा करते हैं ताकि बदन का वजन जो है या बॉडी वेट जो है वो अच्छे वाले हिस्से या गुड साइड ऑफ द नी जॉइंट में जाए, बजाय के खराब वाले हिस्से से ना जाए। इसको हम हाई टिबियल ऑस्टियोटमी बोलते हैं। इसके अलावा अगर रिलेटिवली सेडेंट्री या ज्यादा काम धाम नहीं करने वाला आदमी, ऑफिस जाना वापस आना वैसे वाला आदमी या औरत हो, तो उनमें क्या कर सकते हैं कि एक तिहाई हिस्सा जो खराब है उसमें हम एक कैप लगा सकते हैं। तो एक तिहाई अंदर वाला हिस्सा, बाहर या नी कैप भी हो सकता है। इनमें अलग अलग तरीके के कैप्स आते हैं जो दो तिहाई हिस्से को बचाते हुए एक तिहाई हिस्से में ही रिसर्फेसिंग या रिप्लेस कर देता है। ये दो बड़ी चीजें हैं या नी प्रेजर्वेशन सर्जरीज है जिससे हम नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। क्या आपको एक तिहाई हिस्से में ही प्रॉब्लम है? तो एक तिहाई हिस्सा ही आपका खराब है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये हम पता करते हैं कहीं एक्सरे से, और अगर एक्सरे में पता नहीं होता तो हम MRI कराते हैं। एक्सरे तीन तरीके के होते हैं। एक होता है घुटने का एक्सरे आगे की तरफ से, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन से साइड में गैप कम हो चुका है। दूसरा होता है घुटने का एक्सरे साइड से, और तीसरा होता है कटोरे का एक्सरे। हम इसमें क्या ढूंढते हैं? हम ढूंढते हैं कि किस हिस्से में गैप खत्म हो गया है। जिस हिस्से में गैप खत्म हो गया है वो हिस्सा खराब है। इसके अलावा हमारे पास विशेष एक्सरे होते हैं जिससे हम घुटने का अलाइनमेंट या तिरछापंती पता कर सकते हैं। ये एक्सरेज होते हैं जब आप खड़े होके कूले से लेके एंकल तक एक एक्सरे आता है, जो एक फिल्म में आता है, जिसमें आप पता कर सकते हो बदन का वजन जो है वो कहाँ जा रहा है, अंदर वाले हिस्से में, बाहर वाले हिस्से में या बीच में जा रहा है। इसके अलावा अगर इससे भी पता ना चले तो कभी कभी हम MRI कराते हैं, जिससे बहुत आसानी से पता चल सकता है कि कितना चिकनाई किस हिस्से में खत्म हो चुका है। अभी मैं आपको बताऊंगा आप कैसे घुटने के
प्रत्यारोपण या रिप्लेसमेंट से टोटली बच सकते हो। ये इस वीडियो का सबसे महत्व हिस्सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपना वजन घटाओ। जितना ज्यादा वजन एक खराब घुटने से जाएगा उतना ही दर्द होगा, क्योंकि उतना ही प्रेशर आपके हड्डियों में और आपके जोड़ों में जाएगा। जब आप बदन का वजन घटाते हो तो अपने घुटने का लोड आप कम करते हो और ऑटोमेटिकली दर्द कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अपने मांसपेशियों की वर्जिश करिएगा या एक्सरसाइज करिएगा। जब भगवान आपको एक अंग देता है अपने बॉडी में, तो एक दूसरा अंग ऐसे बनाता है जो इसका सहायता कर सकता है। वैसे ही घुटने का सबसे अच्छा दोस्त मांसपेशियां हैं, आपके जांघों के और आपके पैरों के मांसपेशियां। जांघों में आपके सबसे बड़ी मांसपेशियां जो आगे की तरफ मांसपेशियां हैं, जिनको हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स बोलते हैं, अगर आप उनका वर्जिश अच्छी तरह से करेंगे तो वो घुटने का सहायता करेंगे और काफी हद तक आपका दर्द जो है वो कम हो सकता है। तीसरा पॉइंट, अगर आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छे पदार्थ खाओगे अपने खाने में, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी, आप मानसिक रूप से पॉजिटिव होंगे और आपको दर्द इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी और बॉडी में क्षमता जो है कोई भी चीज़ से जूझने के लिए, वो अच्छा हो जाता है। तो ईट अ बैलेंस्ड गुड न्यूट्रिशियस डाइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट नंबर 4, स्टे फिट, स्टे फ्लेक्सिबल, कीप मूविंग। वेन यू मूव, आपके घुटने भी हिलते हैं। जब ये हिलते हैं, मूवमेंट बरकरार रखता है और घुटनों में जान रहती है। तो कीप मूविंग, कीप फिट, इट विल रिड्यूस योर वेट, इट विल कीप योर जॉइंट्स गोइंग एंड यू विल रिमेन पेन फ्री। वेन यू एक्सरसाइज, वेन यू कीप मूविंग, योर बॉडी रिलीजेस सर्टन हॉर्मोन्स कॉल एंडोर्फिन्स। ये हॉर्मोन्स जो है इनको हैप्पी हॉर्मोन्स बोलते हैं। दे मेक यू फील हैप्पी, मेक यू फील लाइक लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट, एंड दिस टू अ ग्रेट एक्सटेंट इज योर बेस्ट पेन किलर। इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड योर आंसर्स फॉर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग नी प्रेजर्वेशन सर्जरी और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हैव बीन आंसर्ड, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।